दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल की। मेटल कार्बोनिल क्या होता है? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर कार्बन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जिसमें से कि एक लोन पेयर उसने कार्बन को दे दिया है। तो अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है। कुछ लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर दे सकता है किसी को, और कार्बन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। लेकिन कार्बन तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर किसी को डोनेट कभी नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अब मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की बात करें तो इसको समझने के लिए हमें 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। पहले स्टेप में हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, जब आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पाते हैं कि 1s मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz तक 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब अंतिम भरा हुआ जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो सिग्मा 2pz में। यही सिग्मा 2pz मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पहला बॉन्ड बनाता है, जो सिग्मा बॉन्ड है। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन अपने खाली ऑर्बिटल में ले सकता है, अगर मेटल देना चाहे तो खाली ऑर्बिटल में ले सकता है, और वो खाली ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसलिए हमने यहाँ पर केवल पाई स्टार नाम दिया है। जो दूसरा बॉन्ड है उसको डेटिव बॉन्ड बोला जा रहा है, सिनर्जिक बॉन्ड भी बोला जा रहा है। ये जो सिनर्जिक बॉन्ड है वो पाई स्टार ऑर्बिटल, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल और फिल्ड डी ऑर्बिटल के साथ बनता है। इस बॉन्डिंग मैकेनिज्म को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग मैकेनिज्म में अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, लेकिन दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। यही कारण है कि इस लिगेंड को पाई एसिड लिगेंड भी बोला जाता है। पाई एसिड का मतलब है कि एसिड की तरह वर्क करके ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पाई एसिड लिगेंड। ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा के प्रभाव की वजह से पाई बॉन्ड बनता है, या पाई के प्रभाव की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, दोनों बोला जा सकता है। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो मेटल और कार्बन के बीच में मैंने एक बॉन्ड बनाया है। जब मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना तो कार्बन के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से मेटल को इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करना पड़ेगा। जब मेटल को कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैंने दूसरे स्ट्रक्चर में दिखाया है कि हल्का हल्का सा बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच में दूसरा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कार्बन चूंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। अगले स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड रह जाता है। जैसे जैसे हम कार्बन और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं वैसे वैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ घटता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर घटता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा? ज़्यादातर ऐसा कब पाया जाता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सके। और मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट कर सकता है जब उसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज हो, या मेटल न्यूट्रल हो, या कभी कभी मेटल पर नेगेटिव चार्ज हो, तभी ऐसा पॉसिबल है।
तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, ऑन इंक्रीजिंग चार्ज ऑन मेटल आयन, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, टेंडेंसी ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी घटती है, विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड एंड डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ सी ओ बॉन्ड। एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड देयर इज रिडक्शन इन सी ओ बॉन्ड ऑर्डर विच कॉज इंक्रीज इन सी ओ बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो लार्जर इज द इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर मेटल कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल डबल में चेंज होगा जिससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो देखिए हमारे पास Mn, Cr और वेनेडियम के तीन कंपाउंड हैं, आईसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन बराबर है। वेनेडियम के ऊपर एक माइनस चार्ज है और मैंगनीज के ऊपर एक प्लस चार्ज है, क्रोमियम पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ सिनर्जिक बॉन्ड बनाने का सबसे ज़्यादा चांस वेनेडियम का है। तो वेनेडियम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वेनेडियम और वेनेडियम VCO6- माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर CrCO6 होगा, उसके बाद MnCO6 होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।